सोई बैसे और पापा कहीं पानी पीने थोड़ी देर मैं लगाता हूँ, थोड़ा ये बीच का बचा है ना, 10-12 राउंड है इधर उधर को, पानी बढ़ जाएगा राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और हमारी नई वीडियो में। आज फिर से जाना है बेडरूम, जहाँ मैं कल गया था उधर ही जाना है। पापा ने बुलाया आज और घर पे तो कोई नहीं है, मैं और बहन ही थी। यहाँ पे दरवाजे भी लगाए थे, बिस्तर और बढ़िया थी। देख पापा कहीं चाय पोती ढोंग के ही लाई चाय। तो अभी उठे 8 बज गए, पापा ने बोलता सुबह आना, अब चलते हैं। डांट तो पड़ेगी थोड़ा, पर चलते फटाफट से, चाय पीते पहले फिर निकलते। 10 रोटी पापा खा दे, 5 रोटी और खा दे, कम से कम 15 रोटी चलिए हम लोगों के लिए। आज रोटी घर से ही ले जा रही है यार, कम से कम उधर बनानी तो नहीं पड़ेगी। रोटी लेके जा रही इसलिए लेट भी हो गया थोड़ा। रोटी लेके चलते हैं, सिर्फ भात भूत बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे फटाफट से। बाकी पापा का तो अभी पहुंच गया यार छानी में, और मैं और पापा जा रहे बैल लेने। पापा भी नहीं जा रखे अभी तक, तो दोनों ही जाते हैं। मैं बाइक लेके जाता हूँ, फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं। पापा इधर को बैल लाएंगे, मैं बाइक पे आ जाऊँ, फिर मैं यहाँ रुकूँगा थोड़ी देर पापा के लिए। चलो फटाफट चलो। पापा भी पहुँच गए बैल लेके इधर, और मैं भी आ गया घूम के। दार कहानी अथोई कोल यार काई एक गाय का ले आंडी यूं साथ है। तो ये आंख वो छोड़े, मेरे को लग रही है भूख। रोटी तो ला रखी बट सब्जी और भात अब बना लिए हमने, तो तब तक के लिए ये है मक्की। मक्की को बढ़ाता हूँ, भूनता हूँ इसको थोड़ी देर और मक्की खाता हूँ पहले। यार खाना खुना हो गया रेडी, हम लोग खाते हैं खाना। बाकी पापा हल वगैरह रेडी कर रहे हैं जोतने के लिए। तू खाना चल पड़े खेत की तरफ। आगे पापा बैलों के साथ समाई उठा के, और पीछे में हल के साथ सीधा खेत में मिलते हैं। ये वाले खेत थे यार नीचे, ये एक है, ये एक उससे ऊपर है जिसकी सिंचाई करनी थी। ये वाले कल पापा ने सिंचाई कर दी, और ये कह रहा है इसमें मिर्च वगैरह लगा रखी थी मम्मी ने, इधर तो ख़त्म होगी, दिख भी नहीं रही, बट इधर बढ़िया है, ये लगी हुई भी मस्त है। मैं तो पहुँच रहा हूँ खेत में, जिस खेत में हल लगाना। पापा ला रहे बैल नीचे, वो बैल ही नहीं पहुंचा पा रहे नीचे। अरे आजकल घास ही घास हो रखा ना लंबा, तो रास्ता ही नहीं दिखता, तो बैल भी डरते चलते नहीं सीधे। देखते ये वाला भी था, इसमें भी कल सिंचाई हुई। ये रहा वो खेत, ये पूरा इस पर लगाना है हल आज, हल भी लगाना। और पापा बोल रहे थे इसमें सब्जी भी बो देते हैं, पता नहीं रहा ये और कुछ मूली वगैरह कुछ है कि वो भी आज ही बो देंगे। मेरे को तो लग नहीं रहा यार, इसमें देख रहे हो कितना कबाड़ा कुबड़ा है, ये सारा पहले खाली करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बुआई होगी। तब देखते हैं, पापा मानते नहीं जब तक छोड़ते नहीं, तब तक मतलब निपटाते नहीं, तो देखते क्या सीन होता है। भाई आधा एक घंटा घूमने के बाद बैलों ने ऐसा घुमाया, अब जाके पहुँचा पाए खेत में। ये देख लो पापा को, इन्होंने ऐसा घुमा रखा था ना नीचे, खड़ से फिर खड़ से लाए ऊपर को, नीचे से इस साइड से ऊपर। अब इनको
हल पे जोतते बढ़िया तरीके से, जितना वो भाग रहे थे ना ऐसे, अभी हल पे भागेंगे, मजा आएगा। फाइनली रेडी हो गए हल लगाने के लिए, अब देखते हैं कितनी देर में निपटाते हैं। पापा लगाएंगे थोड़ी देर, क्योंकि मेरे को तो यार ऐसा लगा मैं नहीं लगा पाऊँगा, इस पूरा कबाड़ा ही कबाड़ा है, लगा तो पाऊँ पर यार अजीब सा लग रहा है, इसमें खुद फंसने का डर है। देख रहे इतना घास फूस है, पापा ही लगाएंगे थोड़ी देर। सोई बैसे और मैं चलता हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने, पापा भी बोल रहे जाके रेस्ट कर थोड़ी देर। पापा लगाएंगे इधर, तो एक हल लगाने के बाद में कबाड़ा कुबाड़ा सारा उठाना पड़ेगा, इसको इकट्ठा करके या आग लगानी पड़ेगी तब जाके हो सकता कुछ, ऐसे इकट्ठा करना पड़ेगा एक जगह फिर आग लगानी पड़ेगी। ओके मैं चलता हूँ उधर, पापा लगा रहे हल, तो मैं सोता हूँ थोड़ी देर पेड़ के नीचे बढ़िया से। इधर सही है, छाया भी है बढ़िया से और सामने खेत भी है, आराम से इधर ही सोते हैं थोड़े देर। दो घंटे की मस्त नींद लेके अभी नींद खुल गई, ऊपर वाक से आया, पापा ने भी निपटा ही दिया यार खेत, थोड़ा बचा है देख लो, बीच में बचा हुआ थोड़ा, बाकी तो नहीं मिट गया, अभी कबाड़ इकट्ठा करना पड़ेगा। पापा गए पानी पीने, अब थोड़ी देर मैं लगाता हूँ, ये थोड़ा ये बीच का बचा हुआ, मतलब 10-12 राउंड है इधर उधर को, और नहीं बढ़ जाएगा फटाफट, थोड़ी देर निमटाते हैं इसको। थोड़ी देर लगाया, पसीने पसीने हो गया, ये तो निमट गया अभी। अब पापा बोल रहे थे वो जोड़ लाना है, जिससे मतलब ऊपर लगाएंगे ना बराबर आ जाएगा मिट्टी सीधा, तो बहुत भारी है यार, क्या पता पापा उसको ला रहे होंगे नीचे से। अभी बीज बूज सब वो दौड़िया में लास्ट है, देख सा जो से तू बीज डाल रहे हैं। इधर तो डाल दिया, उधर भी डाल रहे, अभी बीज डाल के अब जो ये जोड़ ला रहा काम नहीं है, बस इसको लगाएंगे इसके ऊपर, जो ये बीज है ना ये मतलब मिट्टी के अंदर चला जाएगा, उसके बाद काम खत्म आज का। इधर जब धान काटते हैं ना उसको ऐसे रखते हैं, ये इकट्ठा करके, ये पूरा धान काट दिया, अब इधर इकट्ठा कर दिया, अब जब भी इसको मतलब निकालेंगे या तो झाड़ के निकालते हैं या पैर से, वैसे पैर के नीचे से मल के निकालते हैं, मंडाई जैसे बोलते हैं धान की मंडाई, या तो वैसे करके निकालते हैं। तो इधर आ रखा हूँ, ये नानी हो रहा है हमारे, बोल रहे थे पापा कि इनको पूछ के आना, ये लोग बोल रहे थे कि इनके साथ धान के मंडाई के लिए जाना था, कि अगर ये कल मंडाई करेंगे तो पापा शायद इनके साथ जाएंगे कल धान की मंडाई, तो धान की मंडाई करने के लिए, ये देखो ऐसे कर रखा और वो वाला ऐसे, और फिर कल इनके साथ जाएंगे जब हम मांडेंगे तब वो हमारे साथ आएंगे। काट के रखे ऐसे काटते हैं, उसके काटने के बाद फिर इकट्ठा करके ऐसे कर देते, इनका घराट है यार ये चला गया, देख पूरा गिर गया ही। ओ नानियो शायद छानी में जा रखे होंगे, और पानी की बोतल तो यहीं छोड़ रखी, भूत बन रखो यार, बाल बूल कटाने पड़ेंगे आज, पापा भी बोल रहे थे ये देख रहे हो, ऐसे ही होते यार गांव में, कहाँ किस चीज़ का टाइम है, बस काम में ही है, इधर उधर अपना घूमने में, इसलिए मैं कटाता भी नहीं यार रहने दे, पर कटाना पड़ता है कभी कभी, ज़्यादा ही हो रखा आजकल। चलो वापसी चलते खेत में,
पापा ने जोर लगाने स्टार्ट कर दिया। देख रहे हो पूरा बराबर हो गया बीज इसके नीचे चला है। सेट आथिन टेक है चार फुला छी चार रुपए में जी लोई लोई तो इतने को क्या ही है क्या नहीं बहुत तोल तीख से आप क्या नहीं कोता क्या नहीं होंगे अच्छी गोट वेर भी ना थी इसको लगाने में मजे आते यार। ऊपर बैठो इसमें लगाता मैं तो किट्टा बना के लगाता हूँ बैल को सीधा किट्टा बन के अपने आप ऊपर बैठ जाओ सीधा गाड़ी होती ना गाड़ी वैसा मजा आता है। खत्म बैलों को खोलते बैलों को छोड़ने जाना पड़ेगा यार। देख रहे पूरा खेत मस्त हो गया चलते हैं बैलों को भी खोलते हैं पहले इनको घर पे ले जाते फिर ले जाएंगे। बैलों को छोड़ रखा था चुगने के लिए अभी इनका टाइम है इनको वापसी छोड़ना है तो तब से इनका वेट कर रहा था मैं थोड़ी देर अपना पेट भर ले उसके बाद लेके चलते मेरे इधर उसके बाद हमको भी घर निकलना है। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखो। यार एक चीज़ था अनोल वाली वीडियो ना 3 दिन हो गए मेरे को अपलोड पे लगाए हुए बट अभी तक अपलोड नहीं हुई है तो फिर से अपलोड पे लगा रहा हूँ हो सकता है आज कल तक हो जाए उम्मीद तो ऐसी है बाद बाकी तो देखते हैं। चलो बाय बाय।